कि सदियों से बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र है जी, मगर यहाँ कोई भी दवा या डॉक्टर या नर्स या कंप्यूटर किसी चीज़ का मने व्यवस्था नहीं है। सिर्फ टूटा फूटा स्वास्थ्य केंद्र जो है वही दिखाई दे रहा है। दिक्कत यही है हम लोग के कि जैसे डिलीवरी केस में लेडीज जाते हैं, मतलब रात भी रात समस्या हुआ तो इसीलिए कि मतलब बहुत दूर जाने पड़ता है, यहाँ कोई साधन नहीं है हमारा। कहाँ दूर जाना पड़ता है डिलीवरी कराने के लिए? जाना पड़ता है 4-5 किलोमीटर दूर है, मदनपुर पड़ता है जी। तो क्या वहाँ तो हो जा, तो वहाँ कराने में क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम यही है कि जैसे अपना गाँव में है हॉस्पिटल, यहीं हो जाता तो सही था। जैसे कि हम गरीब आदमी हैं तो गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है, 400-500 टेम्पू वाला रिजर्व करने में ले लेता है, तो हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? ज़रूरत पर सूद पर भी पैसा नहीं मिलता है। इस बदलाव के लिए हमने सबसे पहले वहाँ समुदाय में जाकर के एक सामूहिक आवेदन लिखा। आवेदन लिखने के बाद में हमने मदनपुर चिकित्सा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह से मिले। वहाँ जाकर के हमने जो इश्यू वीडियो बनाए थे उनको हमने एक इश्यू वीडियो दिखाया है। इश्यू वीडियो दिखाने के बाद में प्रभारी महोदय ने कहे कि ठीक है, हम वहाँ नर्स को भेज देते हैं। और वहाँ जो दवा की कमी हो गई थी कुछ दिन पहले, हमने ज़िला में एक आवेदन लिखा है दवा के लिए, लेकिन अभी तत्काल कुछ दवा आ गया है, वह दवा हम उप स्वास्थ्य केंद्र पर हम भेज देते हैं। दवा के बीच में कमी हो गई थी, अभी दवा धीरे धीरे हमारा आ रहा है, तो जैसे ही मेरा दवा उपलब्ध होता है हम थोड़ा थोड़ा दवा हर एक जगह भेजते हैं। अभी वहाँ पर कौन कौन सी दवा उपलब्ध है? अभी हमारे यहाँ एक एंटीबायोटिक आया हुआ है, बच्चे का बुखार का आया हुआ है, बच्चे का एंटीबायोटिक आया हुआ है, वो सब उनको मिला, गैस का आया हुआ है। दूसरा चीज़ एक महिला के द्वारा बोली जा रही थी कि डिलीवरी, तो डिलीवरी सब सेंट्रल लेवल में हर जगह उपलब्ध नहीं है, उनको PHC में ही आना है। चूँकि 102 एम्बुलेंस मेरा रन करता है, 102 का नंबर सभी आशा के पास है, आशा हर एक जगह है, तो आशा को जब चाहेंगे जब वहाँ से 102 कॉल कर करके और यहाँ डिलीवरी ला सकती हैं। तो आपको सरकार ने आशा की पद पर बहाली की है जी। तो आप जब इस गांव में महिलाएं की डिलीवरी की स्थिति होती है तो आपने क्या करते हैं? एम्बुलेंस 102 पर कॉल करके बुलवाते हैं और मरीज के ले जाते हैं PHC में जाके निःशुल्क। दवा नर्स के द्वारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है आज दवा। क्या चीज़ की दवा मिला? गैस का दवा मिला और ये लैट्रिन का दवा। क्या आपका भी दवा मिला? हाँ मेरा भी दवा मिला। किनके किनके सहयोग से यहाँ बदलाव हुआ समस्या का? आपका सहयोग से मिला जी, आप हमारे लिए बहुत सहयोग दिए, हमारे ग्रामीण वासियों को आप ही को सहयोग से आज हॉस्पिटल खुला है, हम लोग को दवा मिला। स्वास्थ्य केंद्र जो है वही दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पास में कौन कौन सी दवा है? अभी दवा उल्टी का है, बुखार का है, पैखाना का है और जख्म का है, जोंक का है, गैस का है, खांसी का है, पेट दर्द का है, आयरन गोली छोड़कर के बाकी दवा प्राथमिक उपचार वाला है। ये बताइए कि आज जो दवा वितरण किए कितने लोग के करीब वितरण किए होंगे? 25 आदमी के वितरण किए। समाज में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, समुदाय के सहयोग से, चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से तथा अन्य ग्रामीणों के सहयोग से एवं नर्स के माध्यम से वहाँ एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महोवा, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया नट के लिए।